अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यार इसी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी, हम सब भी ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखे। और जी, रमज़ान शरीफ रोज़े तो आप रख ही रहोगे माशाल्लाह से। बस अब तकरीबन कल का दिन है और कल 15वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह आधे रोज़े तो गुजर गया, बाकी आधा रमज़ान रह गया। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज भी मेरे पास आए हैं दो पार्सल आए हैं। एक ये है, ये मेरे स्टॉक का है। मैंने कहा अपनी फैमिली से शेयर करूं, ज़रा यूट्यूब की मेरी फैमिली है, तो मैंने कहा अपनी फैमिली से भी शेयर करूं मेरे पास स्टॉक क्या आया है। ये है इडरॉप का प्रिंटेड 3 पीस, और ये एक पार्सल है हुरैन को। इसकी बड़ी एक्साइटमेंट है, कहते हैं कि जल्दी से खोलो, लेकिन ये मैंने भी बाद में खोलना है, ठीक है हुरैन। पहले ये खोलते हैं, ये पार्सल खोलते हैं, तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। पहले पार्सल खोल लूँ जी। अब हमने पार्सल खोल लिया है। ये है इडरॉप के, ये पार्सल बाद में खोलेंगे। ये आपकी तो बहुत जल्दी है इसकी, तो ये पार्सल बाद में खोलेंगे। ये है जो स्टॉक अब आया है बाहर, कोई हो रहा है ना, आपको ये दिखाती है स्टॉक। मैं देखते हूँ बाहर कौन आया है, फिर हम एक सूट को ओपन करते हैं। चलो ये एक खोल के दिखाते हैं। इसका मुँह देखो, इसका मुँह। सारी पेनें इसने ख़राब कर दी हुई हैं, सारी चारपाई भी इसने ख़राब कर दी हुई है। मैंने पूछा है अभी, वो किसने की है? मैंने किया, तुम्हें नहीं पता? तकिया रखा हुआ था ऊपर किसी ने। मैं दिखाती हूँ आपको गाइस, आपको मैसेज की करना, मैं दिखाती हूँ अभी अभी। ये जी इसका ट्राउजर है, और जी ये इसकी शर्ट है, ठीक है। ये इसकी शर्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, एक तरफ बॉर्डर है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इडरॉप ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त, इंतहाई ज़बरदस्त, और कलर भी प्यारा है। टिक्की नहीं रहा इसको, बड़ी जल्दी है जिसके पास जाना है इसने। इसमें से कुछ सेल भी हुए हैं, मतलब कि प्री बुकिंग पे हैं, पिक्स मैंने भेजी हुई थी। जब देख के लोग कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर ना कहें कि इसमें से कुछ मेरे ख्याल में सेल हुए हुए हैं। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है ये सूट। अच्छा, चुप करो। एक तो फैन बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, फैन बंद करना पड़ता है, और हमारे बहुत गर्मी है बेटा। इसमें क्या है पता नहीं चल रहा, हुरैन कितनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है हुरैन है कि कोई इसका हाल नहीं है। अब आप खुद ही समझ आओ इसमें क्या है, इसमें कुछ हुरैन की ही चीज़ है। बड़ी खुश हो रही है, इतना कितनी से हमारे गर्मी है कि हमारे पंखे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बेचारे देखो इसकी हालत, बाल भी बड़े हुए हैं इसके, कटवाने वाले कल को बाल कटवा के आना, और गर्मी लग रही है, फैन बंद किया होगा ना इसलिए। हुरैन तो रॉयल ब्लू है, हमने तो इंक ब्लू बोला था, है ना, पता नहीं वीडियो में सब। ये जी इसका काफ्तान, काफ्तान इसका हुरैन, इसको रख कर दिखाएँ। अच्छे से तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं रख के दिखाऊँ। ये जी इसका ईद का ड्रेस है, 3 ड्रेस इसके थे, तो जिसमें से एक इसका ये रहता था, 2 हो गए थे, ये ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और जी इसका वी नेक है, और ये इसका ट्राउज़र है, अब जो आज बनाएंगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है। अब जो है अब जाके रेसिपी स्टार्ट करें। बस मैं आके नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, और हुरैन नहा रही थी, इसलिए मैं वीडियो के इंतजार में थी कि वीडियो शुरू करें। तो फिर मैं किचन में गैस भी नहीं थी, तो आप जो कुछ रफ्तारी में करना है उसकी तैयारी करते हैं चल के। शुक्र है गैस तो है, बस मुझे कुछ आज देर होगी, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने देर कर दी। तो अब मैंने यहाँ पे रखे, मैंने आलू बॉयल कर रहे हैं, टाइम थोड़ा इसलिए मैंने आलू को काट के रख डाले। तो अब मैं इसको रखती हूँ उबलने को, और अब मैं अब हमारा चूल्हा एक ही है, ये दोनों चूल्हे जो है ना, और इंतखा हमारे ये हमारे ख़राब हो गए, ये पहले ख़राब था, अब ये भी ख़राब हो गया। अब मैं ऐसे करती हूँ कि अब मैं सिलेंडर पर ना चिकन बॉयल करने को रखती हूँ। ये चिकन फ्रीज किया हुआ था, इसको डालती हूँ, और इसको मैं बस पानी डाल के ना
थोड़ा सा पानी डाल के, और बस और कुछ नहीं डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको रखती हूँ बॉयल करने को। अब ये आप इधर आई, इधर करती हूँ चूल्हा जलाती हूँ। अब मैंने क्योंकि टाइम कम है, ये ना अभी देर हो जाए, अब इसको मैं रखती हूँ, चिकन तो आएगा तो जल्दी हो जाएगा ना, इसको मैं अब सिलेंडर पर रख देती हूँ। आलू उधर रख दिए, जब तक मैं धनिया वगैरह दूसरी चीज़ की तैयारी करती हूँ। नमक डालने के लिए कोशिश की, बहुत लगी हो गई ना इसलिए समझ रहा हूँ। हरी मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना हरी मिर्च खाते नहीं है। ये चाट मसाला साशे है आजकल, ये ब्रैंड को भी कल लगा था ना, ब्रैंड नहीं लगता आज। ये सूखा धनिया, इसकी चम्मच जो है ना बहुत छोटा है, ब्रैंड आज भी लग गया है ना जी। और ये चिकन है, मैंने बॉयल करके श्रेड कर ली थी, और ये धनिया। धनिया आपको पता होगा कि मुझे बहुत सारा पसंद है, ज़्यादा सारा जी। आप जल्दी से जाएं और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच लाइक कमेंट भी करें, और आगे से आगे शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना। तो मुझे सपोर्ट करें, कम कर रहे हैं आप लोग, सही नहीं कर रहे इतना, इसको अच्छे से मैच करेंगे। और फेसबुक के, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब पे मेरे जो हैं बने हुए हैं अकाउंट्स, उनके पेज को, चैनल को सब जगहों पे लाइक फॉलो और कमेंट का भी किया करें, शेयर भी किया करें, थोड़ा सा और मेहनत करें और उसमें मेरा साथ दें। मौसम आ रहे हैं अंदर, और मेरा साथ दें, ये जो कुछ भी हैं आज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। इसी तरह मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसमें कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप न्यू यूट्यूबर्स को ही सपोर्ट किया करें, उनको इनक्रेज किया करें और गाइड भी किया करें। ये बंद गोभी घर पड़ी हुई थी, मुझे बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा कि इसमें भी डालते हैं, लेकिन मैं पहले डालना भूल गई, तो मैंने कहा कि अब मैं दोबारा से आपके सामने इसको डालती हूँ। ट्राई तो मैं कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, पता नहीं ये कैसे बने, कम डालती हूँ पहली बार, ये ना हो कि ये ना निकल जाए। ये फिर ऐसे डाल के, ये भी मैंने रेसिपी देखी थी, इसको ऐसे भी मैं ये भी मैंने जो ब्रश है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से, देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो पहले जी इसको करना है, फिर इसको ये बन गया। ना देर हो गई है, तो बाकी मैं बाद में बना लूँगी, बस जल्दी जल्दी जो सारी चीज़ जितनी है ना वो बनाती हूँ। आज अंशुल की पसंद के ठंडे रहते हैं ना शरबत, पता नहीं कहाँ चले गए, रोज़ तो चमचियों से घुमाते हैं, घोलते हैं घोलते हैं, आज आपने घोला ही नहीं है। आज कुछ थोड़ी लेट हो गई, मैं बस बिल्कुल एंड टाइम पे आई हूँ, थोड़ी सी मुझे देर हो गई। क्या मैं तुझे पूछती हूँ अशेज, हाँ कहाँ के छुप गए किधर जब ठहर, मैं तुझे देखती हूँ पूछती हूँ, कोई चीज़ भी थोड़ी सी मोटी होती है ना तो कहता है मम्मा की तरह, मम्मा की तरह।
मम्मा इतनी मोटी है क्या? औरतें बहुत मोटी से मोटी पड़ी हुई हैं, हैं लोग आपकी मम्मा को कहते हो भाई आप स्मार्ट हो हैं, कहाँ मोटी हो? सब बता के तो जाओ कैसे बने ये? क्या हो गया, कहाँ भाग रहे हो? वो चला गया किचन में हाथ धोने, इसको नमाज को देर हो रही है, अब जा रही है नमाज पढ़ने और हम भी नमाज पढ़ें तो बहुत मज़े के लगे हैं सबको। हमसे बताओ अच्छे बहुत मज़े के फ्रेंड कैसे हैं? ये कैसे बने? बस इसका तो जूस ही पीता है, ये जग के पीछे छुपा हुआ, इसका जूस ही अच्छे इसने खाया ही नहीं है। वाकई देर बहुत हो गई थी मुझे तो जो जल्दी जल्दी में बनाए हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े के बने, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी इसी के साथ ही मैं आज के व्लॉग एंड करूँगी। बड़ा किचन मेरा भरा पड़ा है, बहुत काम पड़ा है, दूध आया हुआ गर्म करने वाला, और मैं इंतहा की थकी हुई हूँ। सब मैंने नमाज़ पढ़ के लेटना है, कुछ आराम करना है, फिर आगे कुछ काम करूँगी। तो जी आप लोगों ने बस मुझे भूलना नहीं है, मुझे याद रखना है अपनी दुआओं में भी, और मेरे चैनल को भी और मेरे पेज को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर वीडियो को लाजमी करें, कमेंट वगैरह। और सुबह को इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।